कंबल से सावधान, रेलवे के तकिए से डरिए, रेलवे की चादर से डरिए, क्योंकि रेल की चादर, तकिया, तौलिया, कंबल आपको बहुत बीमार कर देगा। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा हो कि कैसे अब तक पता क्यों नहीं चला, तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए। एबीपी न्यूज संवाददाताओं की टीम ने देश के चारों हिस्सों से बीमार करने वाली रेल की पोल खोली है। छत्तीसगढ़ से ज्ञानेंद्र तिवारी, बिहार से उत्कर्ष सिंह, उत्तर प्रदेश से उमेश पाठक, दिल्ली से रविकांत, महाराष्ट्र से मयूर परीख और कर्नाटक से पिंकी राजपुरोहित ने की है पड़ताल। बेंगलुरु सिटी जंक्शन से चेन्नई सेंट्रल तक उत्सर्ग एक्सप्रेस जो कि फर्रुखाबाद से लेकर के छपरा तक जाएगी। 12216 गरीब रथ एक्सप्रेस से ट्रैवल करूंगा। बिलासपुर के करीब उसलापुर स्टेशन तक जाएंगे। हम हैं मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में और भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ में मौजूद हैं। जिस देश में देश की 2,30,00,000 आबादी रोज सफर करती है, उस ट्रेन में आपकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। एबीपी न्यूज की टीम ने ट्रेन में बिस्तर के चढ़ाए जाने से इस्तेमाल करने और लॉन्ड्री में पहुंचने से लेकर धुलकर पैकिंग तक बिस्तर का पूरा सफर कैमरे में कैद किया है। हमने रेलवे से मैले बिस्तर पर सफाई मांगी है। हमने डॉक्टर से पूछा है कि आखिर एक दिन गंदा बिस्तर इस्तेमाल होने से हम बीमार कैसे हो जाएंगे। हमने ये मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की है ताकि आप ट्रेन में यात्रा करते हुए बिस्तर के इस्तेमाल करने से पहले सोचें और ट्रेन में बिस्तर का इस्तेमाल अपने जोखिम पर करें। स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। आज हम देश को एक बहुत बड़े खतरे से बचाने की पड़ताल कर रहे हैं। एबीपी न्यूज ने देश भर की ट्रेनों में इस बात की जांच की है कि जो कंबल, चादर और तकिया आपको ट्रेन में चैन की नींद लेने के दिए जाते हैं, क्या वो इतना गंदा होता है कि एक सफर के बाद आपके चैन और सुकून का दुश्मन बन जाए। ट्रेन में चादर और कंबल की गंदगी पर सीएजी ने भी रिपोर्ट दी है। हम ये जानना चाहते थे कि चादर और कंबल जहां धुलते हैं, जहां ड्राई क्लीन होते हैं, वहां आखिर हालात कैसे हैं। चेतावनी, ट्रेन में बिस्तर का इस्तेमाल अपने जोखिम पर करें। हम रायपुर से दुर्ग अंबिकापुर ट्रेन नंबर 18241 इस पर यात्रा करेंगे और बिलासपुर के करीब उसलापुर स्टेशन तक जाएंगे और यात्रियों से जानेंगे, रियलिटी चेक करेंगे, स्थिति समझेंगे कि ट्रेन में मिलने वाले चादर और कंबल की स्थिति क्या है। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी की सबसे पहले मुलाकात हुई आकाश अग्रवाल से। आकाश रायपुर से अंबिकापुर जा रहे हैं। हमने चादर और कंबल के बारे में पूछा तो उन्होंने एक झटके में ही पूरी तस्वीर दिखा दी। ऐसा लग रहा है कब तक, कब के धुले हुए हैं ये, कटे हुए हैं तो बहुत पुराने से हो गए हैं। ये तकिया की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कंबल फटा हुआ है और चादर तकिया इस्तेमाल किया हुआ लग रहा है। हम आगे बढ़े तो कहानी यही दिखी। लोग शिकायत करना चाहते हैं लेकिन व्यवस्था ही नहीं मिलती। कंबल तो धुले हुए नहीं लिखते, उसमें स्मेल आती है। इसकी कंप्लेन आप लोग नहीं करते क्या? कोई कंप्लेन को सुनने वाला, पूछने वाला होता नहीं है। अदरवाइज अगर कोई ऐसी टीम बने रेलवे के द्वारा तो मैं समझता हूँ कि जो समस्या है वो कभी ऐसे दिखाई न दे। संजय दुबे दिखा रहे हैं। तकिए पर सफेद कवर तो है लेकिन भीतर की हालत देखिए। जो कंबल मिला उस पर हर जगह दाग है। चादर है और जो तकिए की क्वालिटी है उसकी हालत तो देख रहे हैं क्या है। अटेंडेंट कह देते हैं कि जो उनके पास उपलब्ध है वो ही दिया जाएगा और साथ ही ब्लैंकेट की सिलाइयां खुल जाती हैं, फट जाते हैं। आखिर भारतीय रेल गंदे बिस्तर क्यों दे रही है? रेल का टिकट महंगा हुआ, बातें बुलेट ट्रेन तक की हो जाती हैं लेकिन कंबल चादर तक साफ नहीं दे पा रहे हैं, वजह क्या है? ये सफेद कवर है लेकिन
हर जगह केवल गंदगी है, इस तरह से दाग पड़े हुए हैं। ये पिलो है, इसको आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, ये फटा हुआ है। कंबल है, कंबल में ये दाग साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये चारों तरफ देखिए, ये गंदगी देखिए आप कंबल में, ये देख सकते हैं आप। इस तरह का कंबल जो है यात्रियों को दिया जा रहा है। बिस्तर की तह में दिखी गंदगी की तह तक हम जाना चाहते हैं। सबसे पहले हम ट्रेन में ही कोच अटेंडेंट के पास पहुंचे, जो मुसाफिरों को बिस्तर देता है। चादर तो रोज डेली उतार देती है। तो कई कई चादर और कंबल दिख रहे हैं कि उसमें मैल लगा हुआ है, कंबल में मैल लगा हुआ है, तो अगर रोज धुलता है तो फिर गंदा क्यों है? नहीं, अब ये तो वही बताएंगे लॉन्ड्री वाले जो अपने वहाँ है दुर्ग वाले। मुसाफिर से कोच अटेंडेंट और अब लॉन्ड्री, इस गंदगी की जड़ तक जाने के लिए हमें अब लॉन्ड्री तक पहुंचना है, जहां बिस्तर धुलते हैं। इसीलिए संवाददाता ज्ञानेंद्र उसलापुर स्टेशन उतरे, क्योंकि अगले दिन स्टेशन के पास ही बिलासपुर जोन के लॉन्ड्री डिपो जा सके। अब आपको दिखाएंगे रेल का मैल कैसे साफ किया जाता है। समझिए, क्योंकि रेलवे के अधिकारी चादर से लेके कंबल की धुलाई की पूरी प्रक्रिया समझा रहे हैं। ये है वॉशर कम एक्सट्रैक्टर मशीन, धुलाई कम निचोड़ मशीन। 100 चादर लोड करने के बाद जो है इस मशीन को हम चालू करेंगे। ये यंत्रीकृत मशीन है, इसमें एक बार चालू करने के बाद हमें और कुछ भी नहीं करना है। इसी मशीन के इस्तेमाल से चादर और बेडशीट्स और पिलो कवर, वो तीनों को जो है इसी मैकेनाइज प्रोसेस से ही धुला जाता है। इस रोल में जो है हम चादर एक सिरे से डालते हैं और इसमें गर्म करने के लिए उन पाइपों के माध्यम से स्टीम आता है। उस स्टीम के माध्यम से उसका चेस्ट गर्म होता है और प्रेस मशीन की वजह से वो उसमें चिपक के निकलता है, तो वो कंप्लीट आयरनिंग हो जाती है। ये कंबल धुलने की मशीन है, ये कंबल धोने के लिए ड्राई क्लीन मशीन है। पर जो केमिकल है उसके साथ इसकी रिंसिंग होती है। अगेन 45 मिनट का साइकिल टाइम है, उसके पश्चात जो यहाँ से ब्लैंकेट निकलता है वो एकदम साफ सुथरा होता है। सभी प्रक्रिया को पार करते हुए, पूरी प्रोसेस को दिखाने के बाद हम पहुँचे हैं उस जगह जहाँ अब आपको ये चादर, कंबल और तौलिया बनकर पैकेट तैयार हो रहा है, और जब आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आपको यही पैकेट दिया जाता है। इस लॉन्ड्री डिपो की पड़ताल में हमें पता लगा कि 4000 चादर तौलिए रोज धुलते हैं। मशीनों से ही चादर तौलिए सुखाए जाते हैं, 1 घंटे में कंबल धुलते हैं और सुखाए जाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर इतनी मेहनत और टेक्नोलॉजी से सफाई होती है तो फिर भी बिस्तर गंदे क्यों मिलते हैं? जवाब मांगने हम सीधे पहुंचे बिलासपुर जोन के CPRO प्रकाश चंद्र त्रिपाठी के पास। ये 1-2 आइसोलेटेड केसेस की समस्याएं हो सकती हैं, बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं पाया है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये जो 1-2 केस हैं इनके बारे में हम जांच कराएं कि ऐसी क्या समस्या है। रेलवे भी जांच का आश्वासन दे रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक ट्रेन की कहानी है? हमारी जांच देश के कोने कोने तक जाएगी। आगे बढ़ने से पहले बता दें, हमारी पड़ताल में दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस के बिस्तर साफ सफाई के टेस्ट में फेल हुए। तो छत्तीसगढ़ से इस दुखद तस्वीर के बाद आइए चलते हैं लखनऊ, जहां ABP न्यूज संवाददाता उमेश पाठक उत्सर्ग एक्सप्रेस में पड़ताल शुरू करने वाले हैं। उत्सर्ग एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद से चलती है और छपरा तक जाती है, क्या है इसकी हकीकत? अभी हमारा सफर शुरू भी नहीं हुआ था कि कोच में खुले और बिखरे पड़े बिस्तर अपनी जर्जर हालत की गवाही देना शुरू कर चुके थे। हमने कोच अटेंडेंट से बिस्तर मांगा, हाथ में बिस्तर आते ही हमने बारीकी से उसे जांचा। बेडशीट का जो हमने जायजा लिया उसके मुताबिक ये बेडशीट धूली तो जरूर दिखाई पड़ रही है, लेकिन एकदम साफ है ऐसा नहीं कहा जा सकता इसको। और सबसे खास बात यह जो कंबल हमें मिला है, कंबल के बारे में तो जिस तरह से CAG रिपोर्ट में कहा गया है कि 6-6 महीने तक ये नहीं धुले जाते हैं, वो साफ यहां पर दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये कंबल का किनारा है, फटा भी हुआ भी है। इसके अलावा जिस तरह इसके धागे निकले हुए हैं, इसको देख करके लगता है कि इसके मेंटेनेंस के नाम पर या सफाई के नाम पर, क्लीनिंग के नाम पर कोई भी प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन एक कंबल की बदबू से
नतीजे पर तो नहीं पहुंचा जा सकता था। हमने अपने साथ सफर कर रहे मुसाफिरों से बात करनी शुरू की। शहरे बदल रहे हैं लेकिन दर्द एक है। सत्तर भी जो दिया गया है वो लूज इस्तेमाल किया हुआ दिया गया, अभी कहने पे वेंडर दूसरा ला कर दिया। छह छह महीना हो जाता है धुले में। बिस्तर में था आपके सामने है, देखिए यकीन के तौर पे कहा जा सकता है कि साफ नहीं है। तो लग रहा है छह क्या इस साल भर का लग रहा है कि धुलाई इसकी की गई है। हाँ जी, बदबू बहुत आती है, बिल्कुल नहीं साफ रहते हैं। चादर वगैरह भी ऐसे ओढ़िए, कंबल तो खैर हम ओढ़ते नहीं इसलिए बदबू के मारे, क्योंकि बहुत बदबू आती है। बिल्कुल मन ही नहीं करता है पिलो लेने का, तो सिर के नीचे लगाने का बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। ये हकीकत है, ट्रेन की उत्सर्ग जो एक्सप्रेस है उसमें जिस तरह से हमने सफर किया और जिस तरह सफर के दौरान हमने यात्रियों से बात की, खुद पड़ताल की, खुद रियलिटी चेक किया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी, अगर आप इन यात्रियों की आवाज सुन रहे हैं और ये आवाजें आप तक पहुंच रही हैं, तो एक बार ट्रेन के कंबलों के साथ सफर जरूर करिएगा, ताकि पता चले कि चैन की नींद के लिए जो बिस्तर आप लोगों को दे रहे हैं इतने गंदे होते हैं कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। मगर रेलवे क्या कहता है ये जानने के लिए रेलवे के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल सक्सेना से हमने बात की। हो सकता है कुछ केसेस में आपने ऐसा पाया हो, लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि हम प्रतिदिन लगभग 4 लाख लिनन के सेट जो हैं सप्लाई करते हैं अपनी ट्रेनों पे। 4 लाख प्रतिदिन सप्लाई में 14 कंप्लेंट्स प्रतिदिन मिलती हैं, और जो 0.003% है, तो उन कंप्लेंट्स को हम एड्रेस करते हैं। सुना आपने, 4 लाख यात्रियों को रोज कंबल मिलते हैं और शिकायतें सिर्फ 16 आती हैं। उनका इस पर गर्व करना जायज भी है, लेकिन शायद अनिल सक्सेना इन आंकड़ों के नीचे ये नहीं जान पाए कि शिकायत इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि कोच में शिकायत पुस्तिका होती ही नहीं। बहुत बार करते हैं, मैं बोल बोल के थक चुका हूं। मैं भी तो बोलता हूं कि सर कंप्लेन आता है, और कंप्लेन बुक भी मांगा जाता है जो मेरे पास रहती नहीं है कंप्लेन बुक। अब मैं प्राइवेट हूं, कंप्लेन बुक देता भी नहीं है। गंदगी का मर्ज कितना बड़ा है ये शायद आपको अब तक समझ में ना आया हो, तो यही जानने के लिए हम लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर दीपक मालवीय के पास पहुंचे कि एक दिन गंदे बिस्तर में अगर सोया जाए तो क्या होगा। सबसे बड़ी समस्या तो इसमें ये आती है कंटाजियस डिसीजेज, स्किन डिसीजेज हैं। दिस इज वेरी कॉमन टू ट्रांसफर। क्या गंभीर बीमारियां हो सकती है? गंभीर बीमारियां तो ट्यूबरक्लोसिस और स्किन डिसीज तो फर्स्ट थिंग बड़ी कॉमन है। इस समय की स्वाइन फ्लू की अगर कोई आदमी है, शुरुआती दौर में था, अगर उसको इस्तेमाल किया है, अगर वो दी तो ये बहुत कॉमन मोड है ट्रांसफर का एक दूसरे। सुन रहे हैं ना, जिस कंबल को कुछ घंटों के लिए आप ओढ़ते हैं वो घर जाते वक्त आपको स्वाइन फ्लू से लेकर टीबी तक और स्किन की गंभीर बीमारियां सौगात में दे सकता है। हैरान मत होइए, क्योंकि इस पड़ताल का एक अहम पड़ाव बाकी है। वो जगह है ऑटोमेटिक लॉन्ड्री डिपो, जहां बिस्तर धुलते हैं। यहाँ रोज 6000 चादर तौलिए तो धुलते हैं, लेकिन यहाँ भी हमें कंबल नहीं दिखा। देख सकते हैं यहाँ पर कपड़े की धुलाई जरूर हो रही है, लेकिन जो इसको सुपरविजन वाले करने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि जितनी तादाद में कपड़ों की धुलाई होनी चाहिए, बेडशीट की धुलाई होनी चाहिए, उतनी नहीं हो पाती, और कंबल को लेकर के खासी समस्या है। डेट के हिसाब से पर डे 2 कोच का कंबल उतारा जाता है और वही शिफ्ट चलता रहता है रेगुलर। मोहम्मद आसिफ अली का दावा है कि हर 20 दिन में कंबल धुलता है, लेकिन उत्सर्ग एक्सप्रेस के कंबल की हालत धुलाई का सच बता रही है। हमारी पड़ताल में उत्सर्ग एक्सप्रेस के बिस्तर साफ सफाई के टेस्ट में फेल साबित हुए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।